अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में रैली को संबोधित किया। ये रैली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आयोजित थी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व अन्य नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इससे पहले गुरुवार सुबह ट्विटर के जरिए महिला दिवस की बधाई दी थी और वीडियो भी जारी किए थे। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मेरे विरोधी जितना भी मुझे भला बुरा कहें उनकी मर्जी है, बस ऐसा करें कि अगर पीएम मोदी बोलें तो उसका मतलब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पोषण मिशन होना चाहिए। इससे इस मिशन को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। हमें कुपोषण के खिलाफ जंग लड़नी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि झुंझुनू झुकना नहीं जानता, मुश्किलों से जूझना जानता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नारी को पूजा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो बेटी के बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं और सरकारों को बजट निकालना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कि अब लोगों को तय करना होगा कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां पैदा होंगी, जितना बेटा पढ़ेगा उतनी ही बेटियां भी पढ़ेंगी। इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी, बेटियों के जन्म के लिए जागरूकता फैलानी होगी।